Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important topic, which is operating system. So let's start. Operating system is a collection of system software that controls the working of computer system. It acts as an interface between the computer user and computer. It facilitates execution and helps in developing application programs. So operating system कलेक्शन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसका कलेक्शन है कि डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, और ये एज इंटरफेस एक्ट करता है कंप्यूटर और यूज़र के. और इसी के थ्रू हम आगे नेक्स्ट जो हम अपने टास्क परफॉर्म करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर या हमारे पीसी लैपटॉप तो जो भी डिवाइस हम यूज़ करें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड. कोई भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर सो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है. उसकी रीज़न यह है कि हम हार्डवेयर के थ्रू हार्डवेयर से कनेक्ट करते हैं किसके ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एज इंटरफेस यूज़ किया जाता है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये डायग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम की. हार्डवेयर इंक्लूड CPU, RAM, इनपुट आउटपुट. सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है कि जो मस्ट है किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए. अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम यूज़ नहीं कर सकते, ना उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा. सो जितने भी यूज़र्स हैं वो किससे कम्युनिकेट करें, सॉफ्टवेयर के थ्रू. हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन किसके थ्रू करें, सॉफ्टवेयर के थ्रू. सो दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर. मूविंग टू द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सम मेन फंक्शंस आर प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड यूज़र मैनेजमेंट. सो प्रोसेस मैनेजमेंट, ये एज यू कैन सी द वर्ड प्रोसेस. सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करते हैं, प्रोसेसिंग जो हो रही होती है उसको मैनेज करते हैं. हमारे जो हम कंप्यूटर में प्रेस करते हैं, समटाइम्स हमारा टास्क जब हैंग वगैरह हो जाए लैपटॉप तो फिर हम कंट्रोल ऑल डिलीट करके उस फंक्शन को टास्क को एंड करते हैं, तो हमें वहाँ पर प्रोसेसिंग शो हो रही होती है कि कौन सा टास्क कितना टाइम ले रहा है. और ये प्रोसेस मैनेजमेंट सारी जो इसके मैनेजिंग है वो प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू होती है, और भी इसमें डिफरेंट आगे डिटेल आती है. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में इनपुट हम जो भी यूज़र को देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू, सो ये उनको मैनेज करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको कि हमने क्या इनपुट प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग. मीन्स हम सपोज़ कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही उसको इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, तो सपोज़ मैं जब कोई एक की प्रेस करता हूँ, ए प्रेस करता हूँ, तो वो उसके रिस्पॉन्स में ए ही प्रिंट करता है किसी भी डॉक्यूमेंट वर्ड पर, सपोज़ एम एस वर्ड पर या नोट पैड पर, तो वो ए ही प्रिंट करता है. क्यों? क्योंकि वो उसकी मैनेजमेंट कर रहा होता है, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है कि हमने क्या की प्रेस की है. सो ये सारी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है. आउटपुट मैनेजमेंट के जो हमें आउटपुट दे रहा होता है, जो हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं हमारे स्क्रीन पर. मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के हमने उसकी मेमोरी को मैनेज करता है कि कितनी है मेमोरी एलोकेट हुई है, और इसके अलावा जो भी मेमोरी से रिलेटेड डिफरेंट इशूज़ आते हैं उनसे रिलेटेड मैनेजमेंट देता है हमें, नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करता है. समटाइम्स अगर हमारे कोई भी मेमोरी फुल हो जाती है, ठीक है, या कोई और मेमोरी रिलेटेड इशू हो. वह फाइल मैनेजमेंट, जो भी हम फाइल्स वगैरह सेव करते हैं और उसकी मैनेजमेंट करता है कि कौन सी फ़ाइल कहाँ सेव हुई, हमें उसकी लोकेशन प्रोवाइड करता है. रिसोर्स मैनेजमेंट में जो भी हम ये पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस विच आर अटैच्ड टू कंप्यूटर सिस्टम थ्रू पोर्ट्स. यूज़र मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट में पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी हम अटैच करते हैं उससे रिलेटेड ये है कि उनको मैनेज करता है, उनके अकॉर्डिंग हर डिवाइस का अपना जो फंक्शन है, जो भी उसका टास्क परफॉर्म करना होता है उसने,
सो उसको मैनेज करता है कि कोई भी किसी के यानी कि एक जो उसके डोमेन है उससे बाहर ना जा सके, अपने जो भी उसको टास्क कहा गया है वही परफॉर्म करे। यूज़र मैनेजमेंट यूज़र्स की मैनेजमेंट करता है कि हमें कितने कौन से यूज़र उसको इंटरफेस से है कनेक्टेड है, और उसको यूज़र्स के लिए एक वैलिडेशन प्रोवाइड करता है कि हम डिफरेंट जो सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड इश्यूज़ सिक्योरिटी वगैरह के होते हैं सो उनको ये मैनेज करता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी है कि सिक्योरिटी होगी तो आगे हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकेंगे। सो दैट्स यूज़र मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइजेज एंड इंस्टॉल्स पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, कि जो भी पेरिफेरल डिवाइस हमने उसके साथ कनेक्ट किया उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको इंस्टॉल करेगा। मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल्स फोल्डर्स को मैनेज करेगा। ठीक है, कोई भी फाइल उस जो फाइल हमने जिस तरह सेव की है उसकी जो डाटा है वो किसी और फाइल में नहीं जाएगा, और उसकी अपनी फाइल की लोकेशन कहीं और शिफ्ट नहीं होगी जब तक हम खुद ना चाहें। शेयर्स आउट सिस्टम मेमोरी, सिस्टम मेमोरी के जो भी मेमोरी एलोकेटेड है उसको फर्दर किस तरह से डिवाइड किया गया है। इस तरह हम विंडो सपोज इंस्टॉल कर रहे होते हैं सो उसमें क्या होता है कि सिस्टम मेमोरी हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं कि इस ड्राइव को ये मेमोरी एलोकेट हो, डी ड्राइव को मेमोरी एलोकेट हो, जितनी भी हमें रिक्वायर्ड होती है उस के अकॉर्डिंग। हैंडल सिस्टम एरर्स एंड अलर्ट्स यूजर्स। सिस्टम के जो भी एरर्स वगैरह आते हैं, समटाइम्स सिस्टम किसी से भी रिलेटेड एरर देता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है कि हम जो भी उसके आगे जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उस एरर को हैंडल किया जाता है। अलर्ट करता है यूज़र को कि यूज़र को नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि समटाइम्स अगर मेमोरी वगैरह का या और कोई भी इशू हो जाए कि यूज़र को नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत हो ताकि यूज़र उससे डील कर सके, तो यूज़र को वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, यूज़र को अलर्ट करता है। मैनेज सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टम की सिक्योरिटी होगी तो आगे डिफरेंट उसके टास्क जो यूज़र है उसको ट्रस्ट होगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अलाउ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, के हम हार्डवेयर के थ्रू किससे हार्डवेयर से कम्युनिकेट तो करते हैं लेकिन किसके थ्रू करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू। मूव्स डाटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड डिस्क, के हम अगर डाटा सपोज सेंड करना चाहें किससे या किसी से रिसीव करना चाहें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करता है और उसमें हम इजीली ये कर सकते हैं। लोड्स एंड रन्स अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, के जो भी हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल हो, कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस रनिंग फॉर्म में तो तभी हम इंटरफेस से कम्युनिकेट कर सकेंगे, हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकेंगे इंटरफेस के थ्रू, और डिफरेंट अदर जो हमारे टास्क हैं हम उनको परफॉर्म कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए मस्ट है कि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग फॉर्म में हो। हैंडल्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जो भी हम इनपुट आउटपुट इनपुट प्रोवाइड करते हैं उनको हैंडल करता है, उसके अकॉर्डिंग के जो भी इनपुट हमने प्रोवाइड किया उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, जो उसको टास्क दिया जाता है सिर्फ वही करता है, ना उसमें प्लस माइनस कोई इस तरह से नहीं होता, क्योंकि टू द पॉइंट जो यूज़र ने उसको बताया गया होता है वो उसको फुलफिल करता है उस टास्क को। एंड आउटपुट्स, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट्स डिस्प्ले करनी होती हैं सो वो उसको डिस्प्ले करता है। सो दैट वर सम फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। If you have understood my video, you can subscribe my channel for the new upcoming videos. And don't forget to press the bell icon so you'll get the notification of new upcoming videos. Thank you.